A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today, I will teach you English. Now, I am going to take up Chapter 3, A Newspaper. पहले हम इसका introduction read करेंगे. We know about the happenings in the world through newspapers. दुनिया में जो भी कुछ होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो हमको newspaper के through पता चलती हैं. Do you read newspapers daily? क्या आप newspaper daily पढ़ते हैं? What kind of news do you love to read? आपको किस तरीके की news पढ़ना पसंद है? Read more about newspapers below. अब हम read करेंगे newspaper के बारे में और भी ज़्यादा read करेंगे. हम read करना start करते हैं. Just around the time you wake up or take your breakfast in the morning, what important thing do you find lying on the table? जब आप सुबह सोकर उठते हैं और जब आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेते हैं तो आपके टेबल पर कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ आपको मिलती है. इट्स इनफैक्ट द न्यूज़पेपर. ये एक न्यूज़पेपर है. इट इज़ एज मच असेंशियल एज अ कप ऑफ टी टू सम पीपल. ये उतनी ही ज़रूरी है जैसे कि कुछ लोगों के लिए एक कप चाय. वाई पर क्यों? In today's world, everybody is interested in knowing more and more about what important incidents are taking place in his or her country or around the world. आज की दुनिया में हर किसी इंसान को इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि उनकी कंट्री में या फिर बाहर की कंट्री में क्या हो रहा है. ये सब कोई भी इंसिडेंट हो रहे हो या कुछ भी हो रहा हो, ये हर किसी को जानने की इच्छा होती है, इंटरेस्ट होता है उसमें. The newspaper is one such means of information and knowledge which keeps you abreast of what is happening all around. Newspaper एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है. इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? न्यूज़पेपर से मिलती है. If someone is not fond of scanning a newspaper regularly, he or she is as good as an illiterate who has never been to a school. अगर किसी को पढ़ना न्यूज़पेपर को पढ़ना पसंद नहीं होता है रेगुलरली तो वो एक इलिटरेट की तरह है. इलिटरेट मीन्स अनपढ़ की तरह है जो कभी स्कूल नहीं गया है. However, reading a newspaper doesn't mean that you have to put off your important duties and engage yourself all the day long in going through its pages. Newspaper का पढ़ना मतलब ये नहीं कि आप अपना पूरा time उसमें ही दें. Means आप अपने सारे important काम छोड़ दें, जो भी चीज़ें सब छोड़ कर आप पूरा दिन सिर्फ newspaper ही read करें. Since newspapers consist of several pages, जैसे कि newspaper में बहुत सारे pages होते हैं, It's rather impossible for any individual to go through each and every word printed. तो ये एक impossible चीज़ है कि हम एक एक word उसका read कर सकें, जो भी print है वो एक एक word read कर सकें. Even a whole day's reading will be insufficient. अगर हम पूरा दिन भी read करते हैं newspaper को तो वो भी हमको कम ही पड़ेगा. This is why you have to make a selected reading. इस वजह से हमें क्या और करना होता है, selected मतलब कुछ ही चीज़ें read करनी होती हैं जो ज़रूरी हैं. मतलब हमको full day read करने की ज़रूरत नहीं है, अपना कोई भी काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. जो भी उसमें important news है हमको only वही read करनी चाहिए, अपना पूरा time उसमें नहीं देना चाहिए. But reading ज़रूर करनी चाहिए. How? लेकिन कैसे? If you ever look at a newspaper, you must come to know that it provides news in a systematic way. अगर आपने newspaper देखा हो तो आपको पता होगा कि newspaper में news एक systematic way में दी हुई होती है. The front page contains the most important news of the previous day. Newspaper के front page पर मतलब जो first page होता है newspaper का, उस पर हमको बहुत ही इम्पॉर्टेंट जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो हमको फ्रंट पेज पर दी हुई होती है. लास्ट डे की, प्रीवियस डे की जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो हमको फ्रंट पेज पर दी हुई होती है. एज सच दे आर द मोस्ट करेंट न्यूज़ विच एवरीबडी वुड लव टू नो. उसमें क्या होता है, सबसे करेंट न्यूज़ होती है जो जिसको पढ़ना हर किसी को पसंद है.
अ फ्यू ऑफ द इनर पेजेस गिव सच न्यूज और रिपोर्ट्स एज आर ऑफ सेकेंडरी इम्पोर्टेंस. जो हमको बाकी के और पेजेस में, अंदर के पेजेस में जो न्यूज़ दी हुई होती है, वो उसकी जो रिपोर्ट्स दी हुई होती है, न्यूज़ दी हुई होती है, उसकी हमारी सेकेंडरी इम्पोर्टेंस होती है. एंड डैट यू मे रीड इफ़ दे इंटरेस्ट यू. आप उसको तब रीड करें जब वो आपको उसमें इंटरेस्ट हो. इन एडिशन सम पेजेस आर स्पेशली सेट अंडर द हेडिंग्स ऑफ वर्ल्ड और इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड बिजनेस न्यूज़. एडिशन में आपको, उसमें एडिशन में आपको कुछ पेजेस ऐसे मिलेंगे जो कि अलग स्पेशली सेट किए जाते हैं, सेट होते हैं. उसमें हेडिंग्स भी दी हुई होती हैं, जैसे कि वर्ल्ड और इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, बिजनेस न्यूज़. रीड दीज पेजेस ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. इन पेजेस को आप तभी रीड करें जब आपको इनमें इंटरेस्ट हो. जैसे कि किसी को स्पोर्ट्स न्यूज़ में इंटरेस्ट होता है तो वो स्पोर्ट्स न्यूज़ रीड कर सकते हैं. किसी को बिजनेस न्यूज़ में इंटरेस्ट होता है तो वो बिजनेस न्यूज़ रीड कर सकते हैं. हर कोई अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको रीड कर सकता है. एंड एडिटोरियल पेज इज़ वेयर द एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर एंड अदर नोटेड जर्नलिस्ट एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड कॉमेंट्स ऑन इम्पॉर्टेंट न्यूज़. इसमें क्या होता है, एक एडिटोरियल पेज भी होता है जिसमें जो संपादक होते हैं, जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, वो अपने व्यूज़ उसमें एक्सप्रेस करते हैं. ओके और उसमें कुछ भी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐड करते हैं. हेयर यू कैन फाइंड रीडर्स प्रोग्राम्स, सिनेमा एंड थिएटर, कॉमिक स्ट्रिप एंड क्रॉसवर्ड पज़ल. इसमें आपको और क्या चीज़ें मिल सकती हैं जो आप पढ़ते हैं, आपको प्रोग्राम्स, सिनेमा, थिएटर, इन सब चीज़ों के बारे में, कॉमिक स्ट्रिप के बारे में, क्रॉसवर्ड पज़ल, ये सब चीज़ें भी आपको उसमें मिलती हैं. एडवर्टीजमेंट्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज आर गिवन एट सर्टेन पॉइंट्स ऑफ ईच पेज. जैसे कि कुछ एडवर्टाइजमेंट किससे रिलेटेड, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड भी हमको उसमें न्यूज़पेपर में दिए हुए होते हैं. इन अ नटशेल, संक्षेप में, अ न्यूज़पेपर इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. न्यूज़पेपर क्या है, एक स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन और नॉलेज का, जानकारी का क्या है, एक स्टोर हाउस है. इट्स अप टू यू टू रीड इट एज पर योर इंटरेस्ट एंड कन्वीनियंस. ये आपके ऊपर है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन सी आपकी सुविधा की चीज़ है, आप किस चीज़ को आप रीड करना चाहते हैं. डिड यू एवर वंडर हाउ योर न्यूज़पेपर बॉय इज़ एबल टू पुश योर न्यूज़पेपर थ्रू द स्लिट ऑफ योर डोर और फ्लिंग इट इनटू योर वरांडा सो अर्ली इन द मॉर्निंग. आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आपके जो न्यूज़पेपर बॉय होता है, यानी कि जो आपको न्यूज़पेपर देकर जाता है, वो आपके डोर के नीचे से, दरवाजे के नीचे से न्यूज़पेपर को पुश कर देता है, या फिर वरांडा में आपको देकर जाते हैं मॉर्निंग में. समटाइम्स यू हैवंट इवन वोकन अप एंड योर पेपर इज़ इन योर होम. कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप सोकर उठे भी नहीं होते हैं और आप न्यूज़पेपर आपके घर में होता है. How does it happen? ये कैसे होता है? Let's find out. इसको हम पता करते हैं. In a newspaper office, the newsroom is where the news first start to collect. Newspaper office में एक newspaper newsroom होता है जहाँ पर पहले news collect की जाती है. Here the news are received from reporters and correspondents. यहाँ पर क्या होती है, न्यूज़ रिसीव्ड होती है, किससे होती है, रिपोर्टर से, करस्पॉन्डेंट से. ये कौन होते हैं, जो हमको न्यूज़ लाकर देते हैं. द करस्पॉन्डेंट्स आर बेस्ड इन डिफरेंट सिटीज़ टू सेंड देयर न्यूज़ बाय पोस्ट और ओवर अ टेलीफोन. जो ये न्यूज़ जो हमको लाकर देते हैं, ये अलग अलग सिटीज़ में होते हैं, ये फ़ोन टेलीफोन के थ्रू ये हमको क्या करते हैं, न्यूज़ हमको पहुँचाते हैं, ये उनको पहुँचाते हैं, ये जो न्यूज़ कलेक्ट करते हैं उन तक पहुँचाते हैं. और इन सम केसेस बाय अ फैक्स मशीन, या फिर जो फैक्स मशीन के थ्रू पहुंचाते हैं. न्यूज़पेपर आल्सो रिसीव्स न्यूज़ फ्रॉम वेरियस न्यूज़ एजेंसीज.
न्यूज़पेपर को और न्यूज़ कहाँ कहाँ से मिलती हैं, कुछ एजेंसीज के थ्रू भी न्यूज़ मिलती है, जैसे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI यहाँ से मिलती है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया से भी मिलती है, रूटर्स लंदन यहाँ से भी मिलती है, एसोसिएटेड प्रेस, AP न्यूयॉर्क एंड एजेंस फ्रांस प्रेस, AFP पेरिस, इन सब जगह से क्या मिलती है, न्यूज़ रिसीव होती है। टेलीप्रिंटर्स की प्रिंटिंग आउट द न्यूज़ सो रिसीव्ड, जो भी टेलीप्रिंटर्स क्या करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, वो प्रिंट करते हैं जो को न्यूज़ मिलती है। टेलीप्रिंटर्स क्या करते हैं, जो भी उनको न्यूज़ मिलती है उसको वो प्रिंट करते हैं। हाउएवर ईच एंड एवरी न्यूज़ डेट इज़ रिसीव्ड कैन नॉट बी प्रिंटेड अनलेस इट इज़ मेड वॉट ऑफ इट, मतलब हर एक न्यूज़, कोई भी न्यूज़ ऐसे ही प्रिंट नहीं कर सकते जब तक वो किसी मतलब की ना हो। एडिटर एंड सब एडिटर्स हैव टू सिलेक्ट द न्यूज़ आइटम्स, मेक देम शॉर्ट और डिटेल्ड एज पर द नीड्स ऑफ देयर न्यूज़पेपर। जो एडिटर्स होते हैं, सब एडिटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूज़ में से जितनी भी उनको न्यूज़ मिलती है उसमें से वो कुछ सिलेक्ट करते हैं, उनको शॉर्ट करते हैं या फिर उसको डिटेल में करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर जिस तरीके से न्यूज़पेपर की नीड होती है, ज़रूरत होती है, उस तरीके से उसको एडिट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एडिटिंग, इसको क्या बोलते हैं, एडिटिंग। द न्यूज़ दस एडिटेड गो टू कंप्यूटर्स फॉर कंपोजिंग एंड पेस्ट साइनिंग, फिर जो न्यूज़ होती है उसको जब वो एडिट हो जाती है उसके बाद उसको कंप्यूटर में डालते हैं, किसके लिए डालते हैं, उसको कंपोज करने के लिए और उसको डिज़ाइन, उसके पेज को डिज़ाइन करने के लिए। हियर द प्रूफ रीडर्स करेक्ट द मिस्टेक्स, और जो उसमें रीडर्स होते हैं, जो प्रूफ रीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें गलतियों को सुधारते हैं, अगर उसमें कोई भी गलती होती है, इफ एनी, मतलब उसमें कोई भी गलती होती है तो उसको वो सुधारते हैं। वंस दैट पेजेस आर डिज़ाइंड, जब अगर एक बार जो पेज डिज़ाइन हो जाते हैं, दे आर रेडी टू गो फॉर द प्रिंटिंग, फिर वो प्रिंटिंग के लिए चले जाते हैं, उनको वो रेडी हो जाते हैं। ऑटोमेटिक ऑफसेट मशीन स्टार्ट प्रिंटिंग आउट दीज पेजेस एट अ वेरी फास्ट स्पीड, जो ये ऑटोमेटिक ऑफसेट मशीन्स होती हैं क्या करती हैं, प्रिंटिंग स्टार्ट कर देती हैं पेजेस की, वो भी बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्पीड में। दे कैन प्रिंट लैक्स ऑफ पेपर कॉल्ड न्यूज़ प्रिंट, ये जो प्रिंट करती हैं लैक्स, मतलब लैक्स में जो ये प्रिंटिंग होती है, ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेपर जो प्रिंट होते हैं, न्यूज़ प्रिंट बोलते हैं इसको हम। द इंक डजंट स्मज ऑन इट एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड इंस्टेंटली, ये जो इसमें जो इंक यूज़ होती है वो क्या होती है, वो बिल्कुल फैलती नहीं है और जल्दी से सोख ले, जो पेपर होता है उसको वो सोख लेता है जल्दी से। द प्रिंटेड न्यूज़पेपर आर देन पैक्ड इनटू बंडल्स एंड डिस्पैच्ड टू योर होम टाउन बाय कार और बाय ट्रेन और बाय एरोप्लेन, फिर जो ये न्यूज़पेपर जो प्रिंट हो चुका होता है इसको पैक किया जाता है और फिर इसको भेजा जाता है, किसके थ्रू, ना आपके होम टाउन के थ्रू, होम टाउन में कार के थ्रू, ट्रेन के थ्रू या फिर एरोप्लेन से ये सब आपको भेजा जाता है। फॉर अ न्यूज़पेपर द टाइम इट टेक्स फ्रॉम प्रिंटिंग टू रीचिंग यू इज जस्ट एज लॉन्ग एज यू टेक फ्रॉम गोइंग टू बेड टू वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, इजंट इट अ वंडर। ये जो हमारा जो न्यूज़पेपर होता है ये आपके पास, पता है आपको, पता है ये कितनी जल्दी पहुंचता है, जैसे कि आप सोते हैं और सोकर उठते हैं इतना ही इसको मतलब टाइम लगता है, जैसे ही आप सोएंगे सोकर उठेंगे, मतलब इसको प्रिंटिंग में और आप तक पहुंचने में उतना ही टाइम लगता है। इजंट इट अ वंडर, ये क्या एक आश्चर्य की बात नहीं है। स्टूडेंट्स, हमने अब ये चैप्टर रीड कर लिया है, आपको भी ये चैप्टर रीड करना है और अच्छे से समझना है। ओके, अब हम करेंगे वर्ड बास्केट। ये वर्ड बास्केट आपको आपकी फियर नोटबुक में डन करनी है। आप पहले अपना चैप्टर नंबर लिखेंगे, फिर चैप्टर नेम लिखेंगे, देन ये वर्ड्स आप अपने मीनिंग्स आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। चलिए देखते हैं, फर्स्ट वन इज़ एसेंशियल। एसेंशियल का मीनिंग क्या है, नेसेसरी, मीन्स ज़रूरी। नेक्स्ट इज कीप यू अब्रीस्ट, इसका मीनिंग क्या है, कीप्स यू इन्फॉर्म, मतलब आपको इन्फॉर्म करते रहना। नेक्स्ट इज स्कैनिंग, स्कैनिंग मीन्स सीइंग अटेंटिवली, मीन्स इसको देखते रहना, मतलब जो भी, जैसे न्यूज़पेपर के बारे में था उसको मतलब रेगुलरली देखते रहना।
नेक्स्ट इज इलिटरेट. इलिटरेट मीन्स अनएजुकेटेड, मीन्स बिना पढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या बोलते हैं, इलिटरेट. नेक्स्ट इज पुट ऑफ. पुट ऑफ का मीन्स क्या है, सस्पेंड. ओके नेक्स्ट इज कंसिस्ट ऑफ. कंसिस्ट ऑफ का मीन क्या है, हैव. नेक्स्ट इज प्रीवियस डे. प्रीवियस डे मीन्स यस्टरडे, मीन्स पिछला दिन, जो हम आज का दिन है, आज से पहले का जो दिन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस डे. नेक्स्ट इज सेकेंडरी. सेकेंडरी मीन्स लेस इंपॉर्टेंट, मीन्स जो ज़्यादा ज़रूरी ना हो. नेक्स्ट इज नोटेड. नोटेड मीन्स फेमस. फेमस मीन्स जो मतलब फेमस हो, जो मशहूर हो. नेक्स्ट इज जर्नलिस्ट. लिस्ट दोज हु कलेक्ट और राइट न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर्स. जर्नलिस्ट कौन होते हैं, जो न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसको न्यूज़ में लिखते हैं, न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं. नेक्स्ट इज रिलेटिंग टू. रिलेटिंग टू मीन्स कंसर्निंग. नेक्स्ट इज इन अ नटशेल. इसका मीनिंग क्या है, इन शॉर्ट, मतलब संक्षेप में, मतलब शॉर्ट में. नेक्स्ट इज वंडर. वंडर मीन्स आस्क योरसेल्फ. नेक्स्ट इज स्लिट. स्लिट मीन्स लॉन्ग या फिर नैरो ओपनिंग. ओके नेक्स्ट इज फ्लिंग. फ्लिंग मीन्स थ्रो, मीन्स फेंकना. नेक्स्ट इज करस्पॉन्डेंट्स. करस्पॉन्डेंट्स क्या होता है, दोज हु सेंड न्यूज़ फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री और ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक स्पोर्ट्स, बिजनेस बिजनेस एक्सेट्रा. करस्पॉन्डेंट्स क्या होता है, जो लोग न्यूज़ भेजते हैं कोई पर्टिकुलर कंट्री से या फिर किसी सब्जेक्ट पे, जैसे कि स्पोर्ट्स बिजनेस वगैरह होते हैं. ओके नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक मीन्स वर्किंग बाय इट्सेल्फ, मतलब खुद से ही वर्क करना. नेक्स्ट इज स्मज. स्मज मीन्स स्प्रेड, मीन्स फैलना. नेक्स्ट इज एब्जॉर्ब्ड. एब्जॉर्ब मीन्स सक्ड, मीन्स सोखना. नेक्स्ट इज इंस्टेंटली. इंस्टेंटली मीन्स क्विकली, इट मीन्स जल्दी से. नेक्स्ट इज डिस्पैच्ड. इट मीन्स सेंड, मीन्स भेजना. ओके स्टूडेंट्स, ये आप मैंने ये चैप्टर आपको रीड करवा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, और ये वर्ड बास्केट भी आपको एक्सप्लेन कर दी है. ये भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे और उसको समझेंगे. इससे आपको नॉलेज मिलेगी न्यूज़पेपर के बारे में कि न्यूज़पेपर हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, उसको रीडिंग हमारी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है.